hello everyone a very good morning to all of you i am gulapsa your mentor and i welcome you once again to another session of rbi 247 whereby on a regular basis we try to take up certain news articles related to finance and thereby we try to discuss them through questions so let's get started with today's session but before that if you have still not downloaded our app you can do so by going on to the google play store so, any kind of exam-related updates, live video sessions, daily quizzes, topper strategies, as well as past year papers and their analysis are available on the app. And this app is surely going to help in your preparation journey. So, today we are going to talk about two short news articles that was given on the RBI's website. So, the first talk about the government of India-supported line of credit that was given.

ज so, दिस so, लोन बिन ग्रांटेड तो किस कंट्री को यह लोन प्रोवाइड किया है इनऑर्डर टू फाइनेंस सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्टर इज नन आदर देन उजबेकिस्तान अब देखो ये सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं और ये ऑप्शन में अगर आपके पास आया तो आपको यू नीड टू बी वेरी क्लियर बिकॉज एवरी एवरी कंट्री एंडस्तान राइट विच

हैज प्रोवाइडेड अ लाइन ऑफ क्रेडिट अब लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है उसको समझेंगे ऑफ यूएसडी 448 मिलियन 448 मिलियन डॉलर्स का लोन प्रोवाइड किया गया है बाय थ्रू लाइन ऑफ क्रेडिट इन ऑर्डर टू फाइनेंस उस उज्बेकिस्तान फॉर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स सिंपल सा न्यूज है उनको कुछ लोन दिया गया है थ्रू लाइन ऑफ क्रेडिट अब लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है अगर मैं सिंपल में बताऊं, लाइन ऑफ क्रेडिट का ये मतलब होता है दैट इंडिया कैन एक्सपोर्ट सर्टेन गुड्स सर्विसेज या फिर ऐसे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स या कुछ कुछ भी चीज़ें इट कैन ट्रांसफर द गुड्स इट कैन एक्सपोर्ट दोज गुड्स टू उजबेकिस्तान इन रिटर्न उज्बेकिस्तान कैन मेक द पेमेंट आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम तो लाइन ऑफ क्रेडिट कुछ भी नहीं है इट इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट टू फाइनेंस द एक्सपोर्ट ठीक है वॉट इज लाइन ऑफ क्रेडिट इट इज अ फाइनेंसिंग मैकेनिज्म वेयर बाय द एक्सिम बैंक वॉट इज एक्सिम बैंक एक्सिम बैंक स्टैंड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया हैज प्रोवाइडेड दिस इन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय एक्सटेंडिंग सपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स इक्विपमेंट्स गुड्स एंड सर्विसेज जो भी एक्सपोर्ट करेंगी इंडिया से हम उज्बेकिस्तान को उसका पेमेंट बाद में आ जाएगा इंडिया के पास ठीक है उसको फाइनेंस कर रहे हैं क्यों फाइनेंस कर रहे हैं अब एक्सपोर्टर एक्सिम बैंक नहीं है ना ही सेंट्रल कुड बी एनी क्यों एक्सिम बैंक right? so, क्या करेगा सेलर को बोलेगा कि आप गुड्स सप्लाई कर दो उजेकिस्तान को और उसका जो भी पेमेंट है इन वॉइस बना के मुझे दे दो एंड आई मेक द पेमेंट सिंपल सो सेलर

उन्होंने 448 मिलियन डॉलर्स का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है इफ उज़बेकिस्तान हैज परचेज गुड्स वर्थ ओनली 400 मिलियन बस 400 मिलियन का गुड्स खरीदा है अगर उज़बेकिस्तान ने विद इन 5 इयर्स 12 तारीख को एग्रीमेंट हो गया कि ठीक है ये ट्रांसफर आप कर लेना पर उज़्बेकिस्तान ने विद इन 5 इयर्स दैट इज 60 मंथ्स कितना होता है 5 इयर्स विद इन 5 इयर्स अगर उज़्बेकिस्तान ने बस अगर 400 मिलियन वर्ल्ड के गुड्स एंड सर्विसेज को इंपोर्ट किया है अपने कंट्री में देन द रिमेनिंग 48 मिलियन 448 से अगर 400 माइनस कर दोगे 48 मिलियन विल बी टेकन ऑफ ये फिर आपको लाइन ऑफ क्रेडिट नहीं मिलेगा सिंपल है जितना भी आपको लोन प्रोवाइड किया जा रहा है अंडर द लाइन ऑफ क्रेडिट अगर आपने उसको यूटिलाइज नहीं किया द यूटिलाइजेशन पीरियड इज सिक्सटी मंथ दैट इज फाइव ईयर्स अगर फाइव ईयर्स में यूटिलाइज नहीं किया तो जितना भी रिमेनिंग अनयूटिलाइज अमाउंट है दैट विल बी टेकन बैक सिंपल एज दैट दिस इज नॉन एज द टर्मिनल यूटिलाइजेशन पीरियड कितना है सिक्स ओके फ्रॉम द स्केड कंप्लीशन डेट ऑफ द प्रोजेक्ट अब किस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं दे आर टॉकिंग अबाउट द प्रोजेक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ एनी इक्विपमेंट्स गुड्स और सर्विसेस टू उजबेकिस्तान अब आ जाते हैं क्राइटेरिया सेलर्स कौन होंगे अंडर दिस एग्जिम बैंक ज द डोस्टिक आप सप्लाई करो गुड्स एंड सर्विसेज एंड इट ग्रोस तो इसके लिए एक्सिम बैंक ने एक क्राइटेरिया रखा है दैट वेन एवर द टोटल क्रेडिट इज प्रोवाइडेड total production that is being

मान लो ऐसा कि कुछ ऐसी मशीनरी बांग्लादेश में भी प्रोड्यूस हो रही है और इंडिया में भी हो रही है तो सेवेंटी फाइव परसेंट इंडिया वाले एक्सपोर्ट करेंगे जो बाकी का ट्वेंटी फाइव परसेंट है यू कैन टेक दैट फ्रॉम बांग्लादेश इन द एक्सपोर्टर्स कैन टेक दैट फ्रॉम बांग्लादेश एंड देन एक्सपोर्ट इट टू उजबेकिस्तान क्लियर तो दो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आई हेयर टू बी रिमेंबर्ड लाइन ऑफ़ क्रेडिट क्या होता है आपको समझ में आना चाहिए ट्रेड क्रेडिट होती है जब भी आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो वहां पे आपको दी जाती है फर्स्ट थिंग टर्मिनल यूटिलाइजेशन पीरियड गुड्स एक्सपोर्टेड वट इज द रेशियो द डिस्ट्रीब्यूशन इंडियन सेलर्स है 75%, वेरी सिंपल अब हमने ये सब समझ लिया है नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सिम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया नाउ दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि वो करता क्या है वॉट आर इट्स ऑब्जेक्टिव क्योंकि जैसे नबार्ड हो गया एक्जिम बैंक हो गया दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दीज आर द बैकबोन एनी काइंड ऑफ डेवलपमेंट इन दी फाइनेंशियल स्पेस ठीक है तो एक्सिम बैंक फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग फुल फॉर्म क्या है एक्सिम बैंक स्टैंड एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया टू सिक्स जब हमारा प्लानिंग कमीशन आई थी तब इसको लाया गया था थ्रू एन एक्ट इन एटी वन और एस्टैब्लिश और ये कैसा है इज इट अ प्राइवेट बैंक अ पब्लिक सेक्टर बैंक इट इज हंड्रेड परसेंट गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी दैट इज ये गवर्नमेंट की सब्सिडरी है इट इज अ होली ओन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की एंटिटी है एंड दिस बैंक इज रेगुलेटेड बाय आर बी आई आर बी आई रेगुलेट करती है ये पिक्चर का क्या सिग्निफिकेंस है सो दिस इज इंडिया दिस इज हाउ एक्सपोर्ट्स आर बीइंग डन टू डिफरेंट कंट्रीज एंड It is the exim bank that takes care and also provides the financing for these exporting exporting countries. For the exporting transactions, what is the aim? The aim is three things: financing, facilitating, and promoting foreign trade. Foreign trade international trade ko kaise promote karta hai? by financing and providing the facility to go for exports. Exports go? For

सो इट दैट इट प्रोवाइड फाइनेंशियल असिटेंस सिंपल है फाइनेंसिंग प्रोवाइड करती है एक्सिम बैंक एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए तो इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू दी एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स एक्सपोर्टर्स इंडिया के इम्पोर्टर्स बाहर के राइट इंडियन इंडिया इंडियन के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको फैसिलिटेट करते हैं कि उनके गुड्स सेल हो जाए और बाहर के इम्पोर्टर्स को फैसिलिटेट करती है कि उनको क्रेडिट पर वो गुड्स मिल जाए सिंपल थीके? And function as the principal financial institution for coordinating the working of the institutions engaged in financing export and import. So, this central organization, principal financial institution that works, that tries to bring in collaboration and coordination in order to engage in financing of export and imports of goods and services. थीके? Secondly, it, it, is also, it also acts as एंड ऑर्गेनाइजेशन एज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट वर्क इन पब्लिक इंटरेस्ट ये दो इनके मेजर ऑब्जेक्टिव एग्जिम बैंक के अब देखा जाए इनका प्राइमरी फंक्शन क्या है बेसिक प्राइमरी फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट ये आपको याद होना चाहिए कभी भी एग्जिम बैंक आए यू शुड रिमेंबर दैट द बैंक प्राइमरी लेंस फॉर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया ओवरसीज बायर्स एंड इंडियन सप्लायर्स जो मैंने आपको बताया जो इंडियन के सप्लायर्स है दे कैन सेल देर प्रोड्यूस और उनको टेंशन नहीं लेना की पेमेंट कब आएगा नहीं आएगा डिले होगा गुड्स विदाउट वरिंग टू पे दैट एट दैट टाइम ओनली बाद में भी वो पे कर सकते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट सिंपल सोबर आई होप आपको समझ आ गया हो नाओ

अगस्त के महीने में अलॉन्ग विदनिट्री पॉलिसी स्टेटमेंट स्टेटमेंट कॉल स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंटलो रिलीज बाई मंथली एम पी सी एम पी सी की स्टेटमेंट रिलीज होती है मॉनिटरी पॉलिसी ट्राइज अबाउट इनोवेशन सट एन न्यू कंसेप्ट दे वोड्यूस इन दिन स्फे ठीक है, इन देमेंट तो जितने भी फाइनेंशियल रिलेटेड की बात कर रहे होते हैं तो वहीं पे ये बताया गया था, that we are thinking to introduce भारत परिच इज होली ओन NPCI, जैसे यूपीआई को NPCI देखता है वैसे ही भारत बिल पेमेंट सिस्टम को NPCI देख रही है ठीक है तो इसको यूज करके वी आर ट्राइंग टू Uh, provide or facilitate making of foreign inward remittances into India. Ki BBPS ko use karke, payments ko payments foreigners. Bhej rahe hai. Suppose koi NRI non-resident Indian hai, staying in US and he wants to send certain money in India, or else he wants to make the payment for any of the electricity bill, le lo, education bill le lo, for, a, for his child or for his brother in India. he can do so by using the facility of bharat bill payment system what is this bharat bill payment system so it's basically a facility a payment service provider that provides you with the facility of making any kind of bill payment interoperable bill payment aap kar sakte ho by using bharat bill payment system इसका क्या मतलब हुआ चाहे आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करनी है चाहे आपको लैंडलाइन बिल पे करनी है गैस बिल पे करनी है मोबाइल वाटर, एनी काइंड ऑफ बिल यू कैन मेक इट बाय यूजिंग जस्ट वन एप्लीकेशन जस्ट वन इंटरफेस नोन एज भारत बिल पेमेंट सिस्टम सिंपल आपको ये नहीं किसी पेमेंट के लिए आप दूसरा ऐप यूज कर रहे हो सपोज मोबाइल रिचार्ज करने गूगल पे यूज कर लिया कुछ और करना है आपने कुछ और ऐप यूज कर लिया ऐसा कुछ नहीं करना जस्ट वन ऐप वन एप्लीकेशन फॉर योर एंटायर पेमेंट्स अब समझते हैं Uh, ये आपको मैंने बता दिया ये भी बता दिया तो ये जो बीबीपीएस था दिस वॉज अवेलेबल ओनली फॉर रेसिडेंट्स इन इंडिया इंडिया के जो लोग हैं उनके लिए ही अवेलेबल था अब नॉन रेसिडेंट्स के लिए भी इसको अब लागू कर दिया गया नाउ नाउपीएस ऑल्सो बिन इंट्रोड्यूसड फॉर द नॉन रेसिडेंट्स वे बाय द नॉन रेसिडेंट इंडियंस कैन अंडरटेक मेकिंग अंडरटेक पेमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ यूटिलिटी education and other bill payments on behalf of their families in india if the families are living in india they can make the payment any kind of bill payments for them using the bbps the main the most important term rupee drawing arrangement so rupee drawing arrangement is nothing but it talks about how the channel through which मनी इज ट्रांसमिटेड बाय अ फॉरिनर इन इंडिया कैसे ट्रांसमिट होता है उसकी बात करते हैं रुपी ड्रॉइंग अकाउंट में सिंपल है इट हैज ऑलरेडी है यूएस में ये बंदा बैठा हुआ है सपोज कोई मान लो अ पेरेंट या एनी वन पर्सन मिस्टर एक्स उसका एक भाई है या बहन है

एक्स पहले क्या होता था मिस्टर एक्स यूज टू किस बैंक उसका बैंक कनेक्टेड होता था किसी एक्सचेंज हाउस से दिस इज नॉन एज अंट एक्सचेंज हाउस नॉन रेसिडेंट एक्सचेंज हाउस इज प्रोवाइडेड अंडर द रुपी ड्रॉइंग अकाउंट वेयर बाय दिस हाउस फेसिलिटीज ओपनिंग अप ऑफ ऑफ अ वोस्त्रो अकाउंट फॉर दिस ऑथोराइज डीलर कैटेगरी वन बैंक दिस इज दाइज डीलर कैटे कैटेगरी बैंक इन इंडिया और ये बैंक यूएस में ही है एक्सचेंज हाउस एक्सचेंज हाउस इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दट फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ मिस्टर एक्स ने पैसे अपने बैंक में जमा किया या डायरेक्टली नॉन रेसिडेंट एक्सचेंज हाउस में जमा किया ना दिस नॉन रेसिडेंट एक्सचेंज हाउस हैज एन अकाउंट जो कि इंडिया के लिए काम कर रहा है फॉर दिस ऑथोराइज कैटेगरी वन बैंक

टू रिसीव क्रॉस बॉर्डर रेमिटांसिस फ्रॉम ओवरसीज जूरिस्टिक्शन एक चैनल है जिसको यूज करके हम ओवरसीज कंट्रीज से रेमिटेंसेस मंगा रहे हैं अब देखो ये जो रेमिटेंसेस हैं दिस इज जस्ट वन वे इट इज जस्ट वन वे रेमिटर से बेनिफिशियरी जाएगा ऐसे और ऐसे नहीं जाएगा द बेनिफिशियरी कैन नॉट सेंड मनी यूजिंग द द भारत बिल पेमेंट सिस्टम टू द रेमिटर इट इज जस्ट वन वे आई होप आपको क्लियर हो गया होगा आई जस्ट अप फॉर यू और थोड़े बहुत मीनिंग बता देती हूँ आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दाइज डीलर कैटेगरी इनके बहुत सारे कैटेगरी होते हैं ऑथोराइज डीलर्स की कैटेगरी वन कैटेगरी टू कैटेगरी थ्री ऑलरेडी बात हो चुकी है इफ यू हैव नॉट सीन द वीडियो यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन उसका लिंक हम आपको प्रोवाइड कर देंगे ऑथोराइज डीलर कैटेगरी वन दर बेसिकली द केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स या फिर ऐसे नॉन स्केड्यूल्ड पॉपुलर बैंक जो ऑथराइज होते हैं इन ऑर्डर टू अंडरटेक एनी काइंड ऑफ बीट करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन बीओपी में हम दो ही तरीके की ट्रांजेक्शन करते हैं या तो करंट अकाउंट रिलेटेड होता है या कैपिटल अकाउंट सो ऑल काइंड ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कैन बी अंडरटेक यूजिंग दी ऑथोराइज डीलर कैटेगरी वन बैंक चेंज हाउस मैंने बता दिया इट इज जस्ट अ बैंक फैसिलिटेट्स फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ द पेमेंट यूजिंग द आर डी ए ये जो वोस्त्रो अकाउंट मैं आपको बता रही थी so of, की कोई इंडियन बैंक का कोई अकाउंट इस एक्सचेंज हाउस में खुला है उसको बोलेंगे वोस्त्रो अकाउंट एंड दिस वोस्त्रो अकाउंट इज नॉन एज रूपी ड्रॉइंग अरेन्जमेंट अकाउंट तो आर डी ए अकाउंट खुल जाता है वोस्त्रो इज नॉन एज रूपी ड्रोइंग अरेजमेंट अकाउंट अब ये जो नॉन एक्स नॉन रेजिडेंट एक्सचेंज हाउसेज हैं दिज आर ओनली इन एफ ए टी एफ कंप्लाइंट कंट्रीज वॉट इज दिस एफ ए टी एफ नाउ दिज नॉन एज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जहाँ पे वही कंट्रीज के साथ आप डील कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल कुछ कंट्रीज ऐसी हैं विच आर नॉट वेरी गुड लाइक दीज आर नॉट इन दीज आर फाइनेंशियली इन सिक्योर कंट्रीज इनसिक्योरिटी uh, है सपोज किसी कंट्री से दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन दी एफ फ्रेमवर्क दिस एंटायरली डिफरेंट थिंग आप अपने दूसरे पेपर्स में पढ़ लोगे ठीक है तो ये पूरा सिस्टम है आई होप आपको समझ आ गया होगा रुपी ड्रॉइंग अकाउंट के बारे में तो वन क्वेश्चन फॉर यू बेस्ड ऑन दिस वॉट इज अ रुपी ड्रॉइंग अरेंजमेंट सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है यू शुड बी क्लियर अबाउट वॉट इज द मीनिंग ऑफ रुपी ड्रॉइंग अकाउंट Whether it is an account used for investing in rupee denominated assets, or whether it is a channel to convert foreign currency into rupees, or it is a channel to receive cross border remittances from overseas jurisdictions, or whether it is an arrangement under which the payment for imports is made by drawing onto one's RDA account, or, or whether it is an account for transmitting gifts and grants from a foreign country. सिंपल तो क्या होता है आपको पता होना चाहिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना इन केस ऑफ एनी अदर डाउट यू कैन ऑलवेज इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन दिस वाज ऑल फॉर टुडे आई होप यू लाइक द सेशन टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय